शालोम शालोम शालोम। प्रभु यीशु मसीह की शांति आपके जीवन में राज्य करे। प्रियो, कितना सुंदर समय है कि आज हम इस जगह पे ऑनलाइन हम इकट्ठा हो पा रहे हैं। प्रभु आपको बहुत आशीषित करें। आइए हम दुआ करेंगे। हमारे बीच में सिस्टर जॉली है और वो प्रार्थना में अगुवाई करेगी। आइए हम प्रार्थना में चले। धन्यवाद धन्यवाद सामर्थ्य जीवित परमेश्वर, हम तेरी स्तुति और तेरी आराधना करते हैं आज के सुंदर दिन के लिए। तेरी महिमा तेरी प्रशंसा करते हैं प्रभु, हम तुझे ऊंचा उठाते हैं सामर्थ्य यीशु। तूने आज का दिन हमारा सफल किया प्यारे यीशु जी, हम धन्यवाद देते हैं। आज अपनी सेवा तूने हमारे जीवन के द्वारा ली और जैसे प्रभु यीशु राज ऑनलाइन सभा में हम सब इकट्ठे होते हैं प्रभु, एक एक जन पर तू अपनी आशीष उंडेल प्रभु जी, हर एक को अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल कर प्यारे प्रभु यीशु मसीह। एक एक के जीवन में तू प्रभु राज कर प्यारे प्रभु यीशु मसीह, और प्रभु इस सभा के द्वारा हर एक का विश्वास बढ़ता चला जाए प्यारे प्रभु यीशु। आज हम प्रार्थना करते हैं हर एक भाई हर एक बहन के लिए, हर एक वह प्रभु परेशानियों से वो जो प्रभु राजा जूझ रहे हैं आज, हर एक संघर्ष को आज, हर एक रुकावटों को हम दूर करते हैं हालेलुया। ये जीवित यीशु तू उनका प्रभु है हालेलुया, तू उनको संभाल उनकी रक्षा कर। हे सामर्थ्य यीशु, इन कठिन दिनों में एक एक तू चिंता करने वाला परमेश्वर है, उनके काम का इंतजाम तू कर, उनके पैसे का इंतजाम तू कर। ओ जीवित यीशु हालेलुया, हर एक मेज पर खाना रहे प्यारे प्रभु यीशु जी, ऐसा होने दे सामर्थ्य यीशु। हर एक की समस्याएं यीशु नाम से दूर हो जाएं, हर एक निराशा हर एक डिप्रेशन हर एक प्रकार की रुकावट प्रभु हालेलुया, भविष्य का भय यीशु नाम से जाता रहे हालेलुया। एक एक जीवन को तू आशीषित कर, हर एक बीमार को तू प्रभु, बीमार भाई बहनों को तू प्रभु चंगाई दे सामर्थ्य यीशु हालेलुया। अलग अलग बीमारियों से जो ग्रसित हैं प्रभु जी, एक एक की बीमारी यीशु मसीह के नाम से दूर हो जाए हालेलुया। जैसे प्रभु जी छुटकारे की प्रार्थना की जाती है, हर एक भाई बहन पीछे पीछे उस प्रार्थना को बोले, हर एक भाई बहन अपनी अपनी आंखों को बंद करके भक्ति के साथ तेरे सन्मुख आए प्रभु जी, और उस छुटकारे की प्रार्थना को ग्रहण करें, और एक एक भाई एक एक बहन का छुटकारा हो, एक एक परिवार का छुटकारा हो, परिवार के सदस्यों का छुटकारा हो, घरानों का छुटकारा हो, कुटुंबों का छुटकारा हो, इस पीढ़ी का छुटकारा हो हालेलुया। ऐसी विनती प्रार्थना करते हैं तू आशीष उंडेल प्यारे प्रभु जी। आज विनती प्रार्थना करते हैं बड़ी प्रभु नम्रता दीनता के साथ तेरे चरणों में आते हैं। अपने देश के लिए हम प्रार्थना करते हैं, हमारे देश में शांति के लिए हम बाट जो रहे हैं प्यारे यीशु जी, हम गैप में खड़े हो रहे हैं प्रभु जी, हमारे भारत के लिए, हमारे खुद के शहरों के लिए, हम जैसे प्रभु जी अलग अलग जगहों से जुड़ते हैं प्यारे यीशु राजा। ओ जीवित यीशु एक एक की प्रार्थनाओं को सुन, उत्तर दे प्रभु जी हालेलुया, आशीष दे परमेश्वर पिता, शैतान के सारे बंधन तोड़, उद्धार कर प्यारे प्रभु लोगों का, उन्हें बपतिस्मा लेने के लिए बाध्य कर कायल कर प्रभु जी। ओ प्रभु तेरे पीछे चलने के लिए तू उन्हें सहायता कर प्यारे यीशु जी, पवित्रता प्रार्थना प्रचार में तू हर एक को बढ़ा प्यारे प्रभु यीशु जी, आशीष दे प्रभु। हे सामर्थ्य यीशु तेरा नाम ऊंचा किया जाए, तू ऊंचा किया जाए प्यारे यीशु, अपने सामर्थ्य दाहिने हाथ से प्रभु तू हमें संभाल सामर्थ्य यीशु, और तेरे वायदे हार आमीन में हमारे जीवन में पूरे हो जाए, सहायता कर। इस प्रार्थना को यीशु मसीह के मीठे नाम से मांगते हैं, सुन दया से कबूल कर पिता, आमीन 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 हालेलुया। प्रभु परमेश्वर का हम धन्यवाद देते हैं, और आपके आइए हम आराधना के लिए हम तैयार हो जाएंगे। महिमा से तू जो भरा हुआ, ज्योति में सदा रहने वाला, मनुष्य में तूने जन्म लिया, फिर से यीशु जग में तू आएगा। हम सब प्रभु की आराधना करेंगे और प्रभु का धन्यवाद करेंगे।
bless your name, O God. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Lord, we bless you. Lord, we praise you. Lord, we give you glory, O Lord. Hallelujah. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. से तू जो भरा हुआ ज्योति में सदा रहने वाला मनुष्य में तूने जन्म लिया प्यासे यीशु जग में तू आएगा आएगा यीशु आएगा फिर से यीशु जग में तू आएगा फिर से मनुष्य में तूने जन्म लिया फिर से यीशु जग में तू आएगा भूमि आकाश में समान सका मंदिरों में तू रह न सका हम होकर चरणी में पैदा हुआ मनों में हमारे घर तू बना घर तू बना यीशु घर तू बना मनों में हमारे घर तू बना हम्र होके चरणी में पैदा हुआ मनों में हमारे घर तू बना मेरे में आकर तू ही बसा लोगों को अपने लिए तेरा अग्नि बादल में तू ही दिखा यीशु अपनी तू महिमा दिखा महिमा दिखा यीशु महिमा दिखा यीशु अपनी तू महिमा दिखा अग्निया बादल में तू ही दिखा यीशु अपनी तू महिमा दिखा दानियल की तूने गाथा सुनी की तूने सहायता की बाबुल में तूने बेदारी भेजी अपने लोगों को फिर से तेरी भाई यीशु तेरी भाई अपने लोगों को फिर से तेरी भाई बाबुल में तूने बेदारी भेजी अपने लोगों को तू ही हमारा राजा है तू ही मोती दाता है फिर से आने वाला है प्यारे प्रभु यीशु तू जल्दी आ प्यारे प्रभु यीशु तू जल्दी फिर से आने वाला है प्यारे प्रभु यीशु तू जल्दी आ धन्यवाद यीशु तेरी महिमा हो तेरी प्रशंसा हो तू जय जयकार करे हालेलुया मिलकर हम सुनना तेरी बातें सारे जहां को सुनाते जय जय हो तेरी महिमा हो तेरी प्रभु सबको हम यह गीत सुनाते हालेलुया धन्यवाद हालेलुया धन्यवाद यीशु धन्यवाद
सुनाते, मिलकर हम सना तेरी गाते, सारे जहां को सुनाते, जय जय हो तेरी, महिमा हो तेरी प्रभु, सबको हम यही सुनाते, हालेलुया, जय जय हो तेरी, महिमा हो तेरी प्रभु, सबको हम गीत सुनाते, हो हम सना तेरी गाते, गाते सारे जहां को सुनाते, सुनाते, अरे जय जय हो तेरी, महिमा हो तेरी प्रभु, सबको गीत सुनाते, हालेलुया, जय जय हो तेरी, महिमा हो तेरी प्रभु, सबको गीत सुनाते, सारे जहां का सहारा, डूबे वो का किनारा, किनारा, सारे जहां का सहारा, डूबे वो का किनारा, किनारा, मैया हमारी डोरे, हो जावे कोई गिलोरे, अरे ले जा किनारे, ले जा बनकर तुम जी, ले जा हम सबको पार लगा दे, बनकर तुम जी, ले जा हम सब, ले जा हम सबको पार लगा दे, मिलकर सन्ना तेरी गाते, सारे जहां को सुना दे, जय जय हो तेरी, महिमा हो तेरी प्रभु, सबको ये गीत सुनाते, हालेलुया, जय जय हो तेरी, महिमा हो तेरी प्रभु, सबको ये गीत सुनाते, चारों तरफ घनघोर बादल छाए छाए, सूझे नहीं अब किनारा, तू ही हमारा सहारा, सहारा, ले चल किनारे, ले जा बनकर तू मांझी, ले जा हम सबको पार लगा दे, ले चल किनारे, ले जा बनकर तू मांझी, ले जा हम सबको पार लगा दे, मिलकर हम सना तेरी गाते, जय जय हो तेरी, महिमा हो तेरी प्रभु, सबको गीत सुनाते, हालेलुया, जय जय हो तेरी, महिमा हो तेरी प्रभु, सबको गीत सुनाते, पापों में जीवन हमारा, कष्टों को झेल रहा है, कैसे बचेंगे सारे पापी, ये जीवन हमारे, हमारे, तू ही हमारे राजा, तू ही हमारा राजा, हम सब को पार लगा दे, तू ही हमारे राजा, तू ही हमारा राजा, हम सब को पार लगा दे, मिलकर हम सारा तेरी गाते, सारे जहां को सुनाते, सुनाते, जय जय हो तेरी, महिमा हो तेरी प्रभु, सबको गीत सुनाते, जय जय हो तेरी, महिमा हो तेरी प्रभु, सबको गीत सुनाते, सारे जहां का सहारा, डूबे वो किनारा, किनारा, मैया हमारी डोले, होजों में खाए गिलोरे, गिलोरे, ले चल किनारे, ले जा बनकर तू मांझी, ले जा हम सबको पार लगा दे, ले चल किनारे, ले जा बनकर तू मांझी, ले जा हम सबको पार लगा दे, मिलकर हम सुनाते भी गाते, सारे जहां
को सुनाते जय जय हो तेरी महिमा हो तेरी प्रभु सबको गीत सुनाते जय जय हो तेरी महिमा हो तेरी प्रभु सबको गीत सुनाते चारों तरफ है घटाए घोर बादल छाए छाए सूझे नहीं किनारा तू ही हमारा सहारा सहारा ले चल किनारे ले जा बंद तू मांझे ले जा संसार को पार लगा दे ले चल किनारे ले जा बंद तू मांझे ले जा संसार पार लगा दे मिलकर हम सुनाते गाते सारे जहाँ को सुनाते जय जय हो तेरी महिमा हो तेरी प्रभु सबको गीत सुनाते हालेलुया जय जय हो तेरी महिमा हो तेरी प्रभु सबको गीत सुनाते में जीवन हमारा कष्टों को झेल रहा है कैसे बचेंगे सारे पापी ये जीवन हमारे तू ही हमारी आशा तू ही हमारा राजा हम सब को पार लगा दे तू ही हमारी आशा तू ही हमारा राजा हम सब को पार लगा दे मिलकर हम सना तेरी गाते सारे जहां को सुना दे मिलकर हम सना तेरी गाते सारे जहां को सुना दे जय जय हो तेरी महिमा हो तेरी प्रभु हम सब गीत सुनाते जय जय हो तेरी महिमा हो तेरी प्रभु सबको गीत सुनाते जय जय हो तेरी महिमा हो तेरी प्रभु सबको गीत सुनाते हालेलुया 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 तेरी महिमा हो मिलकर हम तेरी आराधना करते हैं कि तू स्तुति के योग्य प्रभु है धन्यवाद हो राजा हमारे पापों को क्षमा करने वाले प्रभु तेरा धन्यवाद आमेन मिस्र से छुड़ाए हुए या सियोन यात्री आंधी तूफान में तू भय ना खाना आकाश और पृथ्वी का सृष्टि करता है यीशु तेरे नाम में तूफान में तू बना था मैं इस रस से जुड़ा
प्रभु बिना तेरी दूर रही सारी आशाएं तेरी टूट रही बिना तेरी डूब रही सारी आशाएं तेरी टूट रही हो हिम्मत दुख को ही पहुंचाएगा तुझे बंदर हिम्मत को ही पहुंचाएगा तुझे बंदर चुराए हुए स्वदेश दुनिया में यहाँ पर मैं केवल एक मुसाफिर हूँ मेरा स्वदेश है दुनिया में यहाँ पर मैं केवल एक मुसाफिर स्वदेशी और है मेरा चिर साई है तैयार करके आ रहा है मेरा प्रभु स्वदेशी और है मेरा चिर साई है तैयार करके आ रहा है मेरा हो कैसे से जुड़ा हूँ से यूं यार आने तूफान में तो तेरा खाना कैसे से जुड़ा हूँ से यूं यार आने तूफान में तो तेरा खाना विश्वास बिना तेरी डूब रही तेरी टूट रही हो विश्वास बिना तेरी डूब रही हो सारी आशा तेरी टूट रही हो हिम्मत बांधोगीता पहुंचाएगा तुझे बंदरगाह हो हिम्मत बांधोगीता पहुंचाएगा तुझे बंदरगाह हो
वो जय मुझे देता है, मुझ में वो जीवित है। कितना आनंद है जब प्रभु हमारा मुक्ति का नायक हमारे बीच में है तो हमें वो आनंदित करता है, वो खुशियों से भरता है। थैंक यू जीसस जीते के लिए
को जीतने के लिए, शैतान को जीतने के लिए अधिकार दे दिया है। मुक्ति का नायक हो, जय मुझे देता है, मुझे में वो जीत है, कितना आनंद है, ओ कितना आनंद है। समुद्र को पार करके गर्दन को भी पालूंगा, समुद्र को पार करके गर्दन को भी पालूंगा। मरीहों को जीतने के लिए, मरीहों को जीतने के लिए मैं पूरे ही फूंका रहूंगा, मैं पूरे ही फूंका देता है, मुझ में वो जीव है, कितना आनंद है का नायक हो, जय मुझे देता है, मुझ में वो जीव है, कितना आनंद है, कितना आनंद है। मैं गाता गाता रहूंगा, रोज नाचते गाऊंगा, मैं गाता गाता रहूंगा, रोज नाचते नाचते गाऊंगा, ओ तोड़ते तोड़ते सुनाऊंगा, ओ तोड़ते तोड़ते मेरा यीशु जिंदा हुआ, मुक्ति का नायक हो, जय मुझे देता है, मुझ में वो जीव है, देता है, कितना आनंद है, कितना आनंद है। वो खोज से आया, मुझे गले लगाया अपने, यीशु यीशु खोज से आया, मुझे गले लगाया अपने, मेरे पापों को क्षमा किया, मेरे पापों को क्षमा किया, नए सिरे से मुझे बनाया, नए सिरे से मुझे बनाया, ओ मुक्ति का नायक हो, मुझे में वो जीव है, कितना आनंद है, कितना आनंद है, मुझे का नायक हो, जय मुझे देता है, जय देता है, मुझे में वो जीव है, यीशु मुझ में जीवित है, कितना आनंद है, वो प्रेम के अभिषेक से जलाता है हरदम, वो प्रेम के अभिषेक से जलाता है हरदम, शैतान को जीतने के लिए, शैतान को जीतने के लिए
जीत के लिए अधिकार दे दिया है। मुक्ति का नायक जय मुझे देता है, मुझ में वो जीत है, कितना आनंद है, कितना आनंद वह प्रेम के अभिषेक से चलाता है हर दम, वह प्रेम के अभिषेक से चलाता है हर दम, शैतान को जीत के लिए, शैतान को जीत के लिए अधिकार दे दिया, शैतान को जीत के लिए, हालेलुया, शैतान को जीत के लिए अधिकार दे दिया है। ओ नायक जय मुझे देता है, मुझ में वो जीवित है, कितना आनंद है, कितना आनंद है, लाल समुद्र को पार करके गर्दन को भी बांधूंगा, गर्दन को भी बांधूंगा, अरे लाल समुद्र को पार करके गर्दन को भी बांधूंगा, लाल समुद्र को पार करके गर्दन को भी बांधूंगा, यरीहो को जीत के लिए, यरीहो को जीत के लिए प्रभु समुद्र को पाकर के गर्दन को भी बांधूंगा, यरीहो को जीत के लिए, यरीहो जीत के लिए, यरीहो जीत के लिए, अरे मैं तुरही फूकता रहूंगा, मैं तुरही फूकता रहूंगा, मुझे देता है, मुझे भी वो जीवित है, कितना आनंद है, कितना आनंद है, ओ हो कितना आनंद है, हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद 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 तेरी महिमा हो, तेरी प्रशंसा हो, हालेलुया धन्यवाद धन्यवाद, तेरी महिमा Shikala Baba 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 Baba
यीशु है सच्चा गढ़रिया, मार्गों में वह हमारी रक्षा करता है। ओ हालेलुया, प्रेज द नेम ऑफ जीसस। उरंदला बाबरिया तकरं दो रो 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 धन्यवाद। हमें छुड़ाता है, मार्गों
में मेरी रक्षा वो करता है, शैतान के हाथों से हमें छुड़ाता है। यीशु है सशक्त या हम उसी पे Hallelujah.
श्री के नाम से आपके पास आते पिता और हम धन्यवाद देते आज के सुंदर दिन के लिए। प्रभु तेरी पवित्र आत्मा की अग्नि हमारे ऊपर बरसने दे, प्रभु जी तेरा पवित्र अभिषेक हमारे ऊपर उतराने दे। आज प्रभु तू अपने लोगों को आज आशीषित कर पिता, प्रभु जी सारे बंधनों को तोड़ पिता परमेश्वर, अपने लोगों को आशीष दे प्रभु जी। प्रभु जी आज हम प्रार्थना करते हैं तेरे अनुग्रह का हाथ प्रभु परमेश्वर आज कलवरी चर्च के हर एक सदस्य के ऊपर उतराए। कलवरी चर्च का हर एक सदस्य आज आशीषित होवे। कलवरी चर्च को प्रभु तू बढ़ोतरी दे। कलवरी चर्च के विरोध में कार्य करने वाली सारी अंधकार की शक्ति, सारे विरोध की ताकतें आज मैं यीशु के नाम से बांध देता हूँ। आज प्रभु जितने भाई बहन प्रभु ये कार्यक्रम को देख रहे हैं प्रभु जी, आज उनके ऊपर तेरी पवित्र आत्मा इस वक्त उतर आए प्रभु जी। हे प्रभु परमेश्वर, और प्रभु तू उनका मन साफ कर, उनका मन पवित्र कर, उनका मन शुद्ध कर, क्षमा की आत्मा दे, क्षमा ले और क्षमा दे। और हे प्रभु उनका मन प्रभु तेरे लायक बना, ताकि यीशु जो मन मंदिर में आके बसता है उनके मनों में आके विराजे प्रभु जी। सारी शैतानी शक्तियां और सारी ऐसी कड़वाहट, सारा ऐसा माफ ना करने वाली आत्मा, सारी शैतानी शक्ति, सारी जलन कुड़न की आत्मा आज मैं यीशु के नाम से बांध देता हूँ। आज मैं यीशु के नाम से श्रापित कर देता हूँ।
हे प्रभु जी तेरी पवित्र आत्मा मंडलाने दे, हे प्रभु जी तेरा पवित्र अभिषेक अपने कलवरी कलीसिया के लोगों के ऊपर उत्तर आने दे, हर एक प्रभु परमेश्वर दर्शक को भी अपने सामर्थ्य से भर दे प्रभु जी, हर एक दर्शक तुझसे आशीष पाए, जो जो इस कार्यक्रम को देखते हैं प्रभु जी उन सारे व्यक्तियों को बड़ी बरकत और बड़ी आशीष दे प्रभु जी, सारे शैतानी शक्तियां जीत कर डाल, हे प्रभु जी तेरी महिमा होने दे। आज हम प्रार्थना करते हैं श्रुति के लिए, श्रुति को पूर्ण चंगाई दे, श्रुति के बंधन तू तोड़ दे प्रभु। शैली सिस्टर के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु, तेरी आशीष का हाथ शैली बहन के ऊपर उतराना दे प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी एहसान जावेद जी के लिए प्रभु, उनको भी तू पूर्णता चंगाई दे प्रभु। हम प्रार्थना करते दशरथ के मम्मी के लिए प्रभु, उनकी प्रभु परमेश्वर कोरोना हुआ है और ब्लैक फंगस लगा है, सब दूर कर दे प्रभु। आज हम कलवरी चर्च के हर एक सदस्य को यीशु के लहू में ढांप लेते हैं, हे प्रभु हर एक सदस्य के ऊपर तेरी पवित्र आत्मा उतराने दे प्रभु, तेरे महिमा होने दे प्रभु जी, सारे अंधकार की शक्ति को ले जीत कर डाल। आज प्रभु तेरी पवित्र आत्मा का सामर्थ्य अभिषेक उतराने दे, और हे प्रभु अंधकार की शक्तियाँ ले जीत हो जाए, अंधकार की शक्तियाँ फिर जीत हो जाए। हे प्रभु एक एक जन को मैं आजाद कर रहा हूँ, एक एक जन को आज मैं छुटकारा दिलाऊँ, एक एक जन को मैं आज प्रभु परमेश्वर चंगाई दे रहा हूँ। यीशु मसीह के नाम से चंगाई प्राप्त करो, यीशु के नाम से छुटकारा प्राप्त करो, यीशु के नाम से वो जॉब मिलने दे प्रभु जी हमारे भाई बहनों को, जिनको जिनको जॉब की आवश्यकता है। हे प्रभु तेरी पवित्र आत्मा मंडलाने दे भाई प्रभु परमेश्वर पिता आशीष को, सिस्टर जया को प्रभु जॉब दे पिता परमेश्वर, सारे शैतानी शक्तियाँ जीत कर दे प्रभु, पवित्र आत्मा की अग्नि बरसा दे प्रभु जी, अपनी महिमा दिखा पिता परमेश्वर। हे प्रभु सारी शैतानी आत्माएं जो हमारे विरोध में आती हैं, जो व्यभिचार की आत्मा, शैतान की आत्मा, दुष्ट आत्मा, यीशु के नाम से उसे बांध देते हम, यीशु के नाम से उसे हम श्रापित करते हैं। प्रभु तेरी पवित्र आत्मा मंडलाने दे प्रभु, तेरा पवित्र अभिषेक उतराने दे, सारा विरोध दूर कर दे प्रभु, सारी अंधकार की शक्ति ले जीत कर डाल प्रभु। पवित्र आत्मा हमें अच्छे विचारों से आशीषित कर, हमें अच्छे विचार तू दे पिता परमेश्वर। प्रभु तेरी शांति आज हर एक व्यक्ति के ऊपर उतर आए, हर एक जन को प्रभु तेरी पवित्र आत्मा से भर दे, हर एक जन को अपनी शांति से भर दे। ओ हालेलुया प्रभु परमेश्वर पिता, जिनकी सैलरी अभी तक मिली नहीं है, हो प्रभु सैलरी के ऊपर प्रभु परमेश्वर पिता प्रभु जी जो प्रभु परमेश्वर कार्य हो रहा है प्रभु जी, देख हालेलुया ब्रदर जय सिस्टर मीना को वह सैलरी मिलने दे पिता परमेश्वर, जो न्याय उनके ऊपर हो रहा है पिता परमेश्वर वह न्याय होने ना दे प्रभु जी। प्रभु हर एक जन के ऊपर जो अन्याय हो रहा है प्रभु जी, प्रभु तुझे अच्छा ना लगे प्रभु जी, तुझे अच्छा ना लगे पिता परमेश्वर, और वह सारा अन्याय यीशु मसीह के नाम से हम दूर करते हैं, वह सारा अन्याय यीशु के नाम से दूर करते हैं। प्रभु दरवाजे खोल पिता प्रभु जी, दरवाजे खोल पिता प्रभु, अपने लोगों के लिए दरवाजे खोल ताकि भरपूर आशीष पा सके, ताकि तेरी शांति का हाथ हर एक व्यक्ति के ऊपर उतर आ सके, सारे शैतानी शक्तियां लज्जित कर डाल, सारे बंधनों को तोड़ दे पिता परमेश्वर, अपनी महिमा दिखा प्रभु। आज हम प्रार्थना करते पिता परमेश्वर, जिन प्रभु परमेश्वर भाई बहनों की शादी है, सिस्टर प्रोमिला की शादी के लिए, सिस्टर रितु की शादी के लिए प्रभु, ब्रदर सिस्टर प्रभु परमेश्वर सुनीता थापा की शादी के लिए, आज इतने सारे शादी की योजना बना रहे वो सबकी शादी सक्सेसफुल होने दे प्रभु परमेश्वर। पास्टर अनुग्रह की शादी के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, पास्टर अनुग्रह की शादी यीशु के नाम से प्रभु बहुत अच्छी रीति से होने दे, उस शादी के चारों यीशु के लोग का बाड़ा लगाते हैं, और पिता प्रभु कोई भी अनहोनी होने ना दे प्रभु जी, कोई भी ऐसी अस्वस्थता और बेचैनी की आत्मा वहाँ पे आने ना दे प्रभु जी, और हे प्रभु तू वहाँ पे मौजूद हो प्रभु जी, तू वहाँ पे जा प्रभु, पहले तू वहाँ पे जाके कार्य कर पिता प्रभु जी, जो जो लोग वहाँ पे आ रहे हैं जा रहे हैं प्रभु जी, उन सबों के साथ तू रहे प्रभु जी, और सबों को तू स्पर्श कर, उनके आने जाने में उनकी सहायता कर पिता प्रभु, और सारी शैतानी आत्माएं दूर करते हैं मार्गों में, तो हमारी रक्षा करता है प्रभु जी, और इसलिए हम धन्यवाद देते हैं, हम तेरी स्तुति करते हैं, हम तुझे पुकारते हैं प्रभु जी, और तू हमारी दुआ कबूल करता है प्रभु जी, जो जो प्रार्थना हम करते हैं वह सारी दुआ को तूने कबूल करी है, हम धन्यवाद देते हैं। हमारे पापों की तू क्षमा कर, हमारे पापों की तू क्षमा कर, और तेरी आशीष का हाथ हम पर उतराना दे, धन्यवाद यीशु राजा, तेरी महिमा हो, तेरी प्रशंसा हो, सारे बंधन तोड़ दे प्रभु जी, सारी रुकावटें दूर कर दे प्रभु, धन्यवाद देते प्रभु। एक एक जन को तूने स्पर्श किया है, हम धन्यवाद देते हैं, प्रार्थना को प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, सुनो कबूल कर पिता, आमेन आमेन आमेन।
प्रेज द लॉर्ड। प्रभु परमेश्वर का हम धन्यवाद देते हैं प्रियो आज के सुंदर दिन के लिए, और प्रभु का धन्यवाद देते हैं कि कलवरी कली से हमें को बहुत सारे काफ़ी भाई बहन आ रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं। हालेलुया, आज ब्रदर आशीष और बहन जया ने बैप्टिज़म लिया और बैप्टिज़म हुए आज, और प्रभु का धन्यवाद देते हैं वो भी आज आए। आज ब्रदर अशोकन जो है वो आए, और आज ब्रदर रिंकू आए, और आज मेरे ख्याल से जो है काफ़ी लोग आए आज। हालेलुया, और प्रभु का धन्यवाद। सिस्टर मीना आई, हालेलुया, सिस्टर मेरे ख्याल से ज्योति आई, और बहुत सारे। प्रभु परमेश्वर उन सबों को आशीषित करें। सिस्टर सुनीता थापा आई, यस हालेलुया, और कल भी बहुत सारे लोग आए थे। हालेलुया, प्रभु परमेश्वर उनको बहुत आशीषित करें, उनके जीवन की ज़रूरतें पूरी करें। और धन्यवाद, थैंक यू फॉर योर विजिट। हालेलुया, प्रभु आपको बहुत बहुत आशीषित करें और अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करें। हमारा प्रभु महान है और सामर्थी है और कभी न बदलने वाला परमेश्वर है। तो आइए हम प्रभु परमेश्वर के वचन के पास देखेंगे। प्रभु का वचन आज हमारे लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। हालेलुया, और बाइबल में लिखा है कि कैसे हम देख रहे हैं कि कैसे प्रभु परमेश्वर का वचन देख रहे हैं हम कि शांति, कैसे शांति हम देखते हैं कि ये मन की शांति, स्थान की शांति, मनुष्यों की शांति, देश की शांति, शहर की शांति, शांति का परमेश्वर, शांति का दाता, शांति का परमेश्वर तुम्हारे पांव के द्वारा शैतान को शीघ्र कुचलवा देगा। और अब हम देखते हैं कि ये बहुत जबरदस्त महामारी चल रही है, बहुत जबरदस्त महामारी चल रही है, जहां कहीं लोग जो है वो इतने डर रहे हैं, इतने भय खा रहे हैं, और कितने लाखों लाखों लोग मर रहे हैं, बाप रे। और वो जो है बता रहे कि टीवी में तो जो है जो सरकारी आंकड़े हैं उससे तो बहुत ही ज़्यादा आंकड़े, मतलब संख्या की जो मर गए हैं। और हम देखते कि ये बहुत बार जो है महामारी क्यों आती है, ये बहुत बड़ा प्रश्न है, महामारी क्यों आती है। तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि प्रभु महामारी नहीं भेजता, तो जो है प्रभु के वचन में लिखा है कि वो महामारी भेजता है, अंतिम दिनों में महामारी आएगी, और ये प्रभु के वचन पूरा हो रहा है। लेकिन कभी कभी तो बहुत जल्दी महामारी आ जाती है, और कभी कभी जो एक बार महामारी आने के बाद में जो है वो सुधरते नहीं लोग, तो दूसरी बार महामारी आती है, फिर सुधरते नहीं, फिर जो तीसरी बार महामारी आती है। परमेश्वर की जो चाबुक है हमारे ऊपर, परमेश्वर का चाबुक मेरे ऊपर है और हमारे ऊपर है कि हम सुधर जाए, हम सुधर जाए और हम प्रभु के पास आ जाए और हम उसका भय माने, हम अपने गंदे काम को छोड़ दें। बहुत सारे लोग जो है आजकल परमेश्वर के लोगों के विरोध में बोलते हैं, और परमेश्वर के विरोध में बोलने के कारण परमेश्वर का क्रोध उन लोगों के ऊपर आता है। और पुराने नियम में भी ऐसे लोग थे, ये सिर्फ नए नियम में नहीं है, पुराने नियम में भी जो है ये लोग थे कि जो क्या करते थे कि ज़बरदस्त रीति से प्रभु के लोगों के विरोध में जो है विरोध में बोलते थे और बड़ा ज़बरदस्त रीति से विरोध करते थे। और जो है हम देखते कि प्रभु के वचन में जो है कैसे लोग जो है वहाँ पे लिखते हैं कि कैसे जो है वो ज़बरदस्त रीति से विरोध करते थे, और विरोध करने का कारण जो है परमेश्वर का क्रोध उनके ऊपर जो है उमड़ पड़ता था। हालेलुया, और जो है कोरह कहने लगा, जो है गिनती उसका 16 अध्याय के तो तीसरे वचन में, और वे मूसा और हारून के विरुद्ध उठ खड़े हुए और उनसे कहने लगे, तुमने बहुत किया, अब बस करो, क्योंकि सारी मंडली का एक एक मनुष्य पवित्र है और यह हवा उनके मध्य में रहता है, इसलिए तुम यह हवा की मंडली में ऊंचे पद वाले क्यों बन बैठे हो।
यह सुनकर मूसा अपने मुंह के बल गिरा और उस फिर उसने कोरह और उसकी सारी मंडली से कहा, बिहान को यहोवा दिखला देगा कि उसका कौन है और कौन पवित्र कौन है, और अपने समीप बुला लेना और वह आप चुन लेगा कि उसको हालेलुया अपने समीप भी बुला लेगा। और हे कोरह, तुम मंडली समेत अपना धूपदान ठीक करो, और कल जो है, और फिर कल का दिन आता है प्रियो, और कल का दिन जब आता है हालेलुया, और जो है वहाँ पे लिखा गया है कि कैसे वो उन्होंने परमेश्वर का क्रोध उनके ऊपर आया, 20 वचन में लिखा है हालेलुया। और कोरह ने सारी मंडली को उनके विरुद्ध मिलाप वाले तंबू के द्वार पर इकट्ठा किया, तब यहोवा का तेज सारी मंडली को दिखाई दिया। तब यहोवा ने मूसा और हारून से कहा, उस मंडली के बीच से अलग हो जाओ कि मैं उन्हें पल भर में भस्म कर डालूं। तब वे मुंह के बल गिर के कहने लगे, हे ईश्वर, हे सब प्राणियों के आत्माओं के परमेश्वर, क्या एक ही पुरुष के पाप के कारण तेरा क्रोध सारी मंडली पर होगा? यहोवा ने मूसा से कहा, मंडली के लोगों से कह दे, कोरह, दातान, अबिराम के तंबुओं के आसपास से हट जाओ। तब मूसा उठकर दातान और अबिराम के पास गया, और इसराइलियों के वृद्ध लोग उसके पीछे गए, और उसने मंडली के लोगों से कहा, तुम उन दुष्ट मनुष्यों के ढेरों के पास से हट जाओ, और कोई वस्तु ना छुओ, उनकी कोई वस्तु ना छुओ, क्योंकि ऐसा ना हो कि तुम भी उनके पाप में फंस कर मिट जाओ। यह सुनकर कोरह, दातान और अबिराम के तंबुओं के आसपास से हट गए, सारे इसराइल लोग हट गए, परंतु दातान अबिराम निकलकर अपनी पत्नियों, बेटों और बाल बच्चों समेत अपने डेरे के द्वार पर खड़े हुए। तब मूसा ने कहा, इससे तुम जान लोगे कि यहोवा ने मुझे भेजा है, और यह सब काम मैं करूँ, क्योंकि मैंने अपनी इच्छा से कुछ नहीं किया। यदि मैं उन मनुष्यों की मृत्यु के समान, और वहाँ पर लिखा कि तब ये बातें कह चुका कि भूमि उनके पाँव के नीचे फट गई, पृथ्वी ने अपना मुँह खोल दिया, और उनका घरदार स्वामान और कोरह के सब मनुष्य और उनकी सारी संपत्ति को निगल लिया, और उनका सारा घरबार जीवित ही अधोलोक में जा पड़े, जीवित ही अधोलोक में जा पड़े, बाप रे। और पृथ्वी ने उनको ढांप लिया, और वे मंडली के बीच से नष्ट हो गए। यहाँ पे हम देखते हैं कि कैसे परमेश्वर का क्रोध उन मूसा के विरोध में आने वाले लोगों के विरोध में हुआ। जब हम परमेश्वर के लोगों के विरोध में जाते हैं, परमेश्वर को अच्छा नहीं लगता है। जब हम परमेश्वर के लोगों के विरोध में जाते हैं, हालांकि परमेश्वर के लोगों में पाप होता है क्या? हाँ होता है। गलती होती है क्या? हाँ होती है। लेकिन उनको, उनका न्याय करने वाला जो है वो जो है लोग नहीं होते हैं, उनका न्याय करने वाला परमेश्वर होता है। हो सकता है उसने अपना प्रायश्चित कर लिया हो सकता है उस पाप के लिए वो रो गया हो। और हम देते कि मूसा ने भी ऐसी कोई शादी करी थी, जो शादी के लेकर जो है लोग उसको बोलने लगे, और परमेश्वर का क्रोध वहाँ पे भी भड़क गया था। प्रभु नहीं चाहता था कि तुम कोई भी एक शब्द मेरे दास के विरोध में ना बोले। और परमेश्वर के लोगों, यहाँ पे कोरह, दातान, अबिराम और उसके सारे घरदार जो है वो जितने सारे थे जीवित ही अधोलोक में जा पड़े, और पृथ्वी ने उनको ढांप लिया, और वे मंडली के बीच से नष्ट हो गए। बाइबल में लिखा है, जितने इजराइली और उनके चारों ओर थे, उनका चिल्लाना यह कहते हुए भागे कि ऐसा ना हो कि पृथ्वी हमको भी निगल ले। जिन्होंने मूसा के विरोध में नहीं बोला था वो नहीं मरे। कोरह और उसके संगी लोग, उसका परिवार का लोग, वो मर गए। बाइबल में लिखा है कैसे वो लोग जो है मर गए, और कैसे यहोवा के पास से आग निकली और 250 धूप जलाने वालों को भस्म कर डाला, बाप रे। और तब मूसा ने कहा, क्या कहा, पढ़ो उस वचन को 37 में। हारून याजक के पुत्र एलियाजर से कहे कि उन धूप दानों को आग में से उठा ले और आग के अंगारों को उधर ही छितरा दे, क्योंकि वे पवित्र हैं,
जिन्होंने पाप करके अपने ही प्राणों की हानि की है, उनके धूपदानों के पत्थर पीट पीट कर बनाए जाएं, जिससे कि वे वेदी के मरने के काम आवे, क्योंकि उन्होंने यहोवा के सामने रखा था, इससे वे पवित्र हैं। इस प्रकार वो इसराइलियों के लिए एक निशान ठहरेगा। सो एलियाजर याजक ने उन पीतल के धूपदानों को, जिनमें उन जले हुए मनुष्यों ने धूप जला चढ़ाया था, लेकर उनके पत्थर पीट पीट कर वेदी के मरने के लिए बनवा दिए, कि इसराइलियों को इस बात का स्मरण रहे कि कोई दूसरा जो हर उनके वंश का ना हो यहोवा के सामने धूप चढ़ाने को समीप ना जाए, ऐसा ना हो कि वो भी कोरा उसकी मंडली के समान नष्ट हो जाए, क्यों जैसे कि यहोवा ने मूसा के द्वारा उसको आज्ञा दी थी। अब यहाँ पे प्रभु का वचन बताता है कि जो धूपदान चढ़ाने वाले, यहाँ पे लिखा है कि वो कोरा तो मरी गया, लेकिन वो 250 धूप जला चढ़ाने वालों को भी प्रभु ने क्या कर दिया, भस्म कर दिया। और प्रभु परमेश्वर ने बाइबल में लिखा है जिन्होंने पाप करके अपने प्राणों की हानि की है। एक्चुअली कोरह जब पाप कर रहा था और कहे तुम क्या मन बन बैठे हो ऊपर, तुम बोलते हो सब पवित्र है, जी सब पवित्र है, ये ऐसा नहीं चलेगा। और जैसे उन्होंने बोला तो परमेश्वर को क्रोध इस कोरह के ऊपर उतरा है, परमेश्वर क्रोध ये 250 धूप जलाने वालों को भस्म कर डाला। और हम देखते हैं कि प्रभु ने कहा कि कोई भी उठ सुट जाए धूप नहीं जला पाएगा। वो काम मैंने जो है क्या कर दिया है, कुछ लोगों को जो है खास लोगों को दे दिया है, हालेलुया। और कोई भी उठा के जो है हालेलुया गलत काम ना करे, ये परमेश्वर का क्रोध उसके ऊपर आएगा। और फिर बाद में बाइबल में लिखा है कि यस हाँ 41 वचन से पढ़ो, 41 से। दूसरे दिन इसराइलियों की सारी मंडली ये कहकर मूसा और हारून पर बुड़बुड़ाने लगी कि यहोवा की प्रजा को तुमने मार डाला है। बताओ भाई ये कहाँ कोई न्याय हो गया। इसराइल कोरह ने मूसा के विरोध में बोला, इसमें मूसा ने कभी एक झापड़ भी नहीं मारी उनको, ना ही मूसा ने कोई गलत काम किया, लेकिन वो मूसा के ऊपर जो है और दोषारोपण ढूंढ रहे हैं। ये दूसरे लोग आ गए, वो लोग कोरह और वो 250 धूप जलाने वाले तो मर ही गए, वो तो कोई जल के भस्म हो गया, किसी को तो पृथ्वी ने जीवित या दुलोक में मर गए, कि तुम लोग प्रभु के लोगों के विरोध में बोल रहे हो ना, ये लो दंड। लेकिन अब क्या है कि जो है वो जो आत्मा है ना बुराई करने वाली आत्मा, वो जाती नहीं जल्दी। कुत्ते की पूंछ जो टेढ़ी होती है ना वो तो टेढ़ी रहती है। एक बार जो है एक छोटे बच्चे ने कहा, मम्मी ये कुत्ते की पूंछ टेढ़ी क्यों है, इसको मैं सीधी करके रहूँगा। मम्मी ने कहा बेटा ये नहीं कर पाएगा तू। नहीं मैं इसकी पूंछ टेढ़ी करूँगा, जो टेढ़ी है वो सीधी करूँगा। तो उसने क्या कर दिया कि 3-4 लकड़ियाँ ले ली, पूंछ के ऊपर ऐसे डाली और वो पूंछ को जो है रस्सी से बांध लिया। और उसने उसको एक दिन रखा, दो दिन रखा, तीन दिन रखा, चार दिन रखा, पांच दिन रखा, पूरा महीना भर रखा और फिर बाद में निकाला। और जैसे उसने निकाला वो पूरी टेढ़ी हो गई, फिर से जैसे थी वैसे टेढ़ी हो गई। तो जय कुत्ते की पूंछ जो टेढ़ी है तो टेढ़ी ही रहेगी, वो जब तक जो है नरक में नहीं जाएंगे, जब तक वो जो है भस्म नहीं होंगे, जब तक परमेश्वर का क्रोध उनके ऊपर नहीं आएगा, वो टेढ़ापन करते ही रहेंगे। वो टेढ़े मार्ग पे चलते हैं, वो परमेश्वर के राज मार्ग पे चलने के लायक नहीं है। वे जो है उस जो है बादल के खंभे के नीचे के आने के लायक नहीं है, आग के खंभे के द्वारा उनको अगुवाई प्राप्त करने के लायक नहीं है, इसलिए वे जीवित ही अधोलोक में उतर गए। इसलिए जो जय धूपदान लेने वाले 250 लोग जल के भस्म हो गए। परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर के साथ खेल ना खेले, परमेश्वर जय मजाक में या ठट्टों में नहीं उड़ाया जाता, ऐसे बाइबल में लिखा है। अब ये लोग फिर से जो है विरोध में आ गए, बुड़बुड़ाने लगे। ये इसराइल लोगों का सबसे बड़ा पाप था, बुड़बुड़ाना। यार मूसा ने क्या कर दिया, उन लोगों को मार दिया, मेरा दोस्त था वो,
वो कोरह तो बड़ा अच्छा था, ये देखो मूसा ने ऐसा कर दिया, और क्या बुड़बुड़ाने लगे कि यहोवा की प्रजा को तुमने मार डाला। यहां पे मुंह के ऊपर जाके बोल रहे, उनके मुंह पे बोल रहे तुमने मार डाला, और वो भी यहोवा की उपस्थिति में, और यहोवा की प्रजा को। अब यहोवा की प्रजा थी नहीं है। आजकल बहुत सारे लोग अपने आप को ईसाई कहते हैं, वो ईसाई है नहीं। कोई लोग मसीह कहते हैं, वो मसीह है नहीं। कोई लोग क्रिश्चियन कहते हैं, वो क्रिश्चियन है नहीं। ना मसीह है, ना ईसाई है, ना मसीह है, वो तो ऐसे ही है, वो ऐसे ही है। और हम देखते हैं कि जो है वो लोग बोलने लगे तुमने यहोवा की प्रजा को मार डाला है। मतलब तुम लोग जो है वो यहोवा की प्रजा नहीं हो, जो मर गए थे वो यहोवा की प्रजा है, जिन्होंने बुराई करी थी वो यहोवा की प्रजा है, जो कोरह मर गया, भूमि फट कर वो मर गया, अंदर जीवित है तो लोग मर गया, वो यहोवा की प्रजा थी, प्रजा है, ऐसा वो कह रहे हैं। जो गलत तरीके से धूपदान लेके 250 लोग प्रभु के सामने आए, वो जो है यहोवा की प्रजा थी। ये याजक लोग है, यहोवा की प्रजा नहीं है, ऐसी मूर्खता की बात वो करने लगे। और फिर बाद में परमेश्वर क्या करता है, तब आगे पढ़िए ना जॉली, आप 42 वचन 41 से पढ़िए। दूसरे दिन इसराइलियों की सारी मंडली ये कहकर मूसा और हारून पर बुड़बुड़ाने लगी कि यहोवा की प्रजा को तुमने मार डाला है। और जब मंडली के लोग मूसा और हारून के विरुद्ध इकट्ठे हो रहे थे, तब उन्होंने मिलाप वाले तंबू की ओर दृष्टि की और देखा कि बादल ने उसे छा लिया है और यहोवा का तेज दिखाई दे रहा है। तब मूसा और हारून मिलाप वाले तंबू के सामने आए। तब यहोवा ने मूसा और हारून से कहा, तुम उस मंडली के लोगों के बीच से हट जाओ, क्योंकि मैं उन्हें पल भर में भस्म कर डालूंगा। तब वे मुंह के बल गिरे। और मूसा ने हारून से कहा, धूपदान को लेकर उसमें वेदी पर से आग रख कर उस पर धूप डाल, मंडली के पास फुर्ती से जाकर कि उसके लिए प्राश्चित कर, क्योंकि यहोवा का कोप अत्यंत भड़का है और मरी फैलने लगी है। मूसा की आज्ञा के अनुसार हारून धूपदान लेकर मंडली के बीच में दौड़ा गया, और ये देखकर कि लोगों में मरी फैलने लगी है, उसने धूप जलाकर लोगों के लिए प्रायश्चित किया, और वहाँ वो मुर्दों और जीवित के मध्य में खड़ा हुआ। तब मरी थम गई, और जो कोरह के संग भागी होकर मर गए थे, उन्हें छोड़ जो लोग इस मरी से मर गए वे 14,700 थे। तब हारून मिलाप वाले तंबू के द्वार पर मूसा के पास लौट गया और मरी थम गई। ये मरी इसलिए आई थी क्योंकि वे परमेश्वर के विरोध में क्या करने लगे थे, बुड़बुड़ाने लगे थे कि तुमने यहोवा के लोगों को मारा, यहोवा की प्रजा को तुमने मार डाला, यहोवा की प्रजा को तुमने मार डाला। और ये बात कौन सुन रहा था पता है, परमेश्वर सुन रहा था। उसने कहा कि तुम लोग मेरे विरोधी हो, तुम मेरी प्रजा के नहीं हो, मूसा हारून ये मेरी प्रजा के लोग हैं, जो शांत रहते हैं, अधीनता में रहते हैं, वो मेरी प्रजा के लोग हैं, जो विरोध में बोलते हैं, मैं परमेश्वर के दासों के विरोध में बोलते हैं, वे मेरे प्रजा के लोग नहीं है। उनको तो मैं क्या करूंगा, उनको तो मैं जब जीवित ही अधोलोक में उतारूंगा, उनको मैं क्या करूंगा, उन 250 लोगों के समान भस्म कर दूंगा आग से, और उनको क्या करूंगा, उनके ऊपर महामारी भेजूंगा। तो ये महामारी जो आ रही है ना प्रियो, ये महामारी तो परमेश्वर के वचन के अनुसार आ रही है पहली बात, और दूसरी बात परमेश्वर क्रोधित है, परमेश्वर गुस्से में है, इसलिए यह महामारी आई है। यहाँ पे इस महामारी में शांति कब मिलेगी, इस महामारी से शांति कब मिलेगी? ये महामारी चल रही है, हम घर में बैठे अपना फोन देख रहे हैं, हम ये महामारी चल रही है, घर में बैठो भैया, घर में बैठे हैं, ये नहीं कि बाइबल पढ़ो, प्रार्थना करो, धूपदान लो। हमारा धूपदान मतलब हमारी बाइबल, हमारा सुगंधित हव्य जो चढ़ता है मतलब हमारी स्तुति। ये धूपदान लेकर जो है वो दौड़ दौड़, मूसा ने कहा हे हारून दौड़ दौड़, मरी आ गई है, मरी आ गई है, प्रभु को गुस्सा आ गया है। जिन जिन लोगों ने अपने मुंह से पाप किया है उन लोगों के विरोध में परमेश्वर अब खड़ा हो गया है। पहले तो उसने कोरह को जीवित अधोलोक में उतारा, दूसरी मरी आ गई थी, वो क्या हुआ था, जो है 250 लोग जो है धूपदान लेके खड़े हुए, जिनको अधिकार नहीं था, वे धर्म के ठेकेदार बनना चाह रहे थे,
स्वर्ग से आग आके भस्म कर दिया उनको। और तीसरी बार ये महामारी जब आई, बाप रे, प्रभु कहता है उनकी मंडली से तुम लोग हट जाओ, अब मैं पल भर में उनको भस्म कर डालूंगा, मुझे मिनटों में नहीं एक सेकंड में खत्म कर दूंगा उनको मैं। और तो वे मुंह के बल गिरे। मूसा ने हारून को एकदम आज्ञा दी, जा धूप दान लेकर उस पर, उसमें वेदी पर आग रखकर उस पर धूप डाल, मंडली के पास फुर्ती से जा और उनके लिए प्रायश्चित कर। आज इस महामारी में प्रायश्चित करने वाला कौन है? आज इस महामारी में प्रार्थना करने वाला कौन है? इस महामारी के दिनों में शांति लाने वाला कौन है? वो दुनिया को कोई भी व्यक्ति नहीं है, कोई भी पंत प्रधान नहीं, वो एक सर्वसाधारण विश्वासी है। अगर सारे विश्वासी लोग पश्चाताप करेंगे अपने दिल्ली के लिए, भारत के लिए, विश्व के लिए, वो पश्चाताप की आत्मा रखेंगे, आंखों से आंसू बहेंगे, पश्चाताप के आंसू बहेंगे, तो संभव है कि ये महामारी रुक जाए, तो संभव है कि ये महामारी रुक जाए। और यहां पे हम देखते हैं कि मूसा की आज्ञा के अनुसार धूपदान, हारून ने धूपदान लेकर मंडली के बीच में दौड़ा, और ये देख कर कि लोगों में मरी फैलने लगी है। ये मरी कैसी थी बताएं? फटाफट लोग मर रहे थे, भड़क से भड़क भड़क। अब वो मरी मतलब बड़ा खतरनाक काम होता है, और ये मरी इतना जबरदस्त, बाप रे, ये आखिरी मरी, ये तीसरी मरी थी वहां पे, तीसरा मैं कहूंगा दंड। मरी तो पहली थी ये उस समय, अब जो है कोई विशेषज्ञ कहते कि अभी तीसरी लहर आने वाली है। अरे भैया, इन लहरों से तो बड़ा हालत खराब हो गई, लहरों से दुखी हो गए हम पूरे। पहली लहर से बच गए, दूसरी लहर से बच गए, अब तीसरी लहर के लिए लोग डर रहे हैं। दूसरी लहर तो बड़ी खतरनाक थी, कितने लाखों 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 लोग मर गए। ओ कितने अच्छे अच्छे लोग भी मर गए, अच्छे अच्छे लोग भी मर गए। ये बीमारी अच्छे अच्छे लोगों को भी ले गई, जिनका समय पूरा हो गया था प्रभु ने उनको उठा लिया। दुष्ट लोग तो मर ही मरे, लेकिन अच्छे लोग भी मर गए। परमेश्वर के लोगों, आज हमें पश्चाताप करने की आवश्यकता है कि ये मरी हमारे दिल्ली भारत से दूर हो जाए। यहाँ पे लिखा है कि मूसा की आज्ञा के अनुसार हारून धूपदान लेकर मंडली के बीच में दौड़ गया, और यह देख कर कि लोगों में मरी फैलने लगी है, वह धूपदान जलाकर लोगों के लिए उसने प्रायश्चित किया, और वह मुर्दों और जीवित के मध्य खड़ा हुआ। आज विश्वासियों को मुर्दों और जीवितों के बीच में खड़ा होना है, प्रार्थना करनी है, आंसू बहानी है, मध्यस्थता की प्रार्थना करनी है, बाइबल पढ़ना है, फोन पे लगे नहीं रहना है। और बाइबल में लिखा है जो कोरह के संग भागी होकर मर गए थे, उन्हें छोड़ इस मरी में जो मर गए वे 14,700 थे। 14,700 लोग मर गए ब्रदर। और जब हारून ने प्रायश्चित किया, हारून मिलाप के तंबू के द्वार पर मूसा के पास लौट गया, तब मरी थम गई। प्रायश्चित करने के बाद, परमेश्वर के दास के पास जाने के बाद ये मरी थम गई। महामारी में शांति, महामारी में शांति, ये शांति कौन दे सकता है? आपका प्रायश्चित, आपका आंसू बहाना, आपका रोना। आज घर घर में लोग रो रहे हैं, दुखी हैं, परेशान हैं, तकलीफ में हैं। आओ हम भी उनके लिए रोए, हम प्रभु से कहे, प्रभु हमारे पापों की क्षमा कर। मरी में शांति, कैसे मरी में शांति आई, कैसे परमेश्वर की मरी आई? अरे तीनों बार जो मरी आई वो बुड़बुड़ाने के कारण आई, परमेश्वर के दासों के विरोध में बोलने के कारण आई। प्रभु के लोगों, आओ हम परमेश्वर के दासों के विरोध में बोलना बंद करें, हम अपने परमेश्वर के दासों जो प्रभु ने आपको दिए हैं उनकी सराहना करें, क्योंकि परमेश्वर उनके पापों की क्षमा करने वाला है। मूसा ने उस किसी अन्य जाति के साथ शादी करी थी, तो
जो है, हालांकि वो शादी नहीं करनी चाहिए थी लेकिन उसने करी शादी, हो सकता है जो है वो परमेश्वर को पूछ के किया होगा, परमेश्वर से रिक्वेस्ट करी होगी, मुझे पता नहीं क्या वो उस वर्ग में मालूम चलेगा। लेकिन जिन्होंने वो बुराई करी उनको दंड मिला। आज हमको परमेश्वर ने जो है लोगों के पापों को देखने के लिए जिंदा नहीं रखा है, हमें प्रचार के लिए, हमें ये दास ऐसा है, वो दास ऐसा है, ये पास्टर ऐसा है, वो पास्टर ऐसा है, ऐसे जो बोलते हो ना आप अपने ऊपर क्रोध कमा रहे हैं परमेश्वर का, आप अपने ऊपर सदम और अमोरा की गंधक की आग ला रहे हो, क्योंकि यहोवा जो है प्रेम का सागर जरूर है लेकिन वो भस्म करने वाली आग भी है। आइए हम दुआ करेंगे। पवित्र 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 सेनाओं के यहोवा परमेश्वर, आज हम यीशु नासरी के नाम से आपके पास आते हैं और हम धन्यवाद देते पिता परमेश्वर इस सुंदर वचन के लिए। क्या तूने हमारी आंखें खोली प्रभु, हमें प्रभु परमेश्वर पिता तेरी पवित्र आत्मा से भरने की आवश्यकता है प्रभु। हमें तेरे दासों के विरोध में बोलना नहीं, उनकी सराहना करना है, उनको प्यार से उनकी इज्जत करनी है। उनके पापों को देखने वाला परमेश्वर है, हमें उनके पापों को देखना नहीं है, हमें परमेश्वर के बड़े बड़े दासों के पापों को देखना नहीं है, किसी के भी पापों को देखना नहीं है, किसी की और भी उंगली करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि परमेश्वर है जो उनको धर्मी ठहराने वाला है। परमेश्वर के धर्मी लोगों को कौन दोषी ठहराएगा, परमेश्वर ही है जिसने उन्हें निर्दोष ठहराया है, उनके पापों की क्षमा की है। तो हे दुष्ट, तुझे क्या लेना देना परमेश्वर के दासों के विरोध में बोलने के लिए, तुझे किसने अधिकार दिया। कोरह के समान उस 250 लोग जो धूपदान लेके खड़े हुए थे उनको प्रभु ने कैसे भस्म कर दिया, और फिर बाद में जो लोग कहने लगे कि तुमने यहोवा के प्रजा को मार डाला है, ऐसे गलत शब्द जो मूसा के लिए हारून के लिए बोले, तो वो लोग भी मर गए प्रभु जी। तीन तीन बार परमेश्वर का दंड आया। प्रभु हमारी सहायता कर, इस वचन से आज हम सीख सकते हैं कि हमें किसी के विरोध में बोलना नहीं है लेकिन हम अपनी सेवा पूरी करनी है, हमें अपना प्रचार पूरा करना है, हमें आत्माओं को जीतना है, आत्माओं को जीत के पास्टर के संगति में, कलीसिया के संगति में, ओ कैलवरी चर्च के संगति में उनको लाना है। ये हमारा सबसे महत्वपूर्ण काम है। ये काम करने के लिए हमारी सहायता कर। आदर महिमा सम्मान तुझको देते हैं, प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुना कबूल कर पिता, आमेन। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति हम सबों के साथ आज से लेके प्रभु यीशु मसीह आने तक बनी रहे, आमेन आमेन आमेन। प्रियो धन्यवाद शेयर करने के लिए जिन्होंने शेयर किया है, धन्यवाद जिन्होंने शेयर नहीं किया, कृपया शेयर करना सीखिए और ये वचन बहुतों के हाथों में जाइए, ताकि जाने दीजिए, ताकि उनके दिल में भी परमेश्वर का भय आए, परमेश्वर का डर उनके जीवन में आए। परमेश्वर का भय रखने वालों को किसी भली वस्तु की घटी ना होगी, जवान सियों को घटी होगी और वे भी भूखे रह जाएंगे, लेकिन जो परमेश्वर का भय मानता है उसको किसी बात की घटी नहीं होगी। आओ हम परमेश्वर का भय माने। शालोम शालोम शालोम।